देख रहे हैं न्यूज 21 राजस्थान और ये है हमारी खास प्रस्तुति पाली हेडलाइंस। पाली हेडलाइंस के अंतर्गत आपके लिए जरूरी हर खबर को लेकर, ताजा खबरों को लेकर हम आपके बीच में यूं ही हाजिर होते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की ताजा पाली हेडलाइंस। पाली शहर के रामदेव रोड पर क्षेत्रवासियों ने मुख्य रोड निर्माण को लेकर किया सांकेतिक विरोध। क्षेत्रवासियों ने परिषद प्रशासन के खिलाफ विरोध जताते हुए बताया, जल्द शुरू होना चाहिए रोड निर्माण, नहीं तो करेंगे आंदोलन। लॉकडाउन के दौरान लगातार बाली क्षेत्र में सेवा कार्य कर रहे समाज सेवी कानाराम चौधरी का हुआ सम्मान। मुंडारा सरपंच प्रवीण एवं अन्य गणमान्य लोगों ने चौधरी का माल्या एवं साफा पहनाकर किया सम्मान। चौधरी ने बताया, सहायता करने से मिलती है अनंत खुशी। पाली शहर में राशन वितरण के दौरान उड़ रही है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, साथ ही स्वच्छता को लेकर भी स्थानीय निवासी एवं प्रशासन नहीं है जागरूक। सड़कों पर जल भराव के बीच हो रहा है राशन वितरण। लॉकडाउन 5.0 में धीरे धीरे रियायतें देकर खोला जा रहा है देश, परंतु खतरा है बरकरार। इसी को मद्देनजर रखते हुए पाली शहर में PPE किट पहनकर ब्यूटी पार्लर में काम करती दिखी महिलाएं, दिखा रही हैं जागरूकता। किसानों को राहत देते हुए सरकार बड़े स्तर पर खरीद रही है समर्थन मूल्य पर उपज, परंतु वेयर हाउस गोदाम खाली नहीं होने से आ रही है परेशानी। जिले के सुमेरपुर वेयर हाउस में गोदामों में खाली नहीं होने के चलते लगी है ट्रकों की लंबी कतारें। कोरोना महामारी के कारण केरोसिन हुआ 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता। मार्च में 38.80 रुपये प्रति लीटर मिलने वाला केरोसिन मई में 16.60 एवं अब जून में 18.20 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है राशन की दुकानों पर।